आज भारत के दिग्गज फिल्म मेकर बी आर चोपड़ा की 109वीं बर्थ एनिवर्सरी है। उन्होंने हिंदी सिनेमा का नया दौर हमराज, वक्त, निकाह जैसी फिल्में दी है। बतौर फिल्म जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाले बी आर चोपड़ा का पूरा नाम बलदेव राज चोपड़ा था। लाहौर में जन्मे बलदेव राज बंटवारे के बाद भारत आ गए थे। उस समय ही अपनी पहली फिल्म लाहौर में शुरू कर चुके थे, जिसे अधूरा ही छोड़ना पड़ा। भारत में इन्होंने नए सिरे से करियर शुरू किया। पहली फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन उसके बाद एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। बी आर चोपड़ा के ही कोर्ट केस के कारण मधुबाला और दिलीप कुमार का रिश्ता टूटा था, जो उस समय का चर्चित अफेयर था। 1988 में टीवी सीरियल महाभारत बनाने में इन्होंने 9 करोड़ रुपये खर्च किए थे। बी आर चोपड़ा का जन्म 22 अप्रैल 1914 को ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रांत में PWD के कर्मचारी विलायती राज चोपड़ा के घर हुआ था। फिल्म मेकर यश चोपड़ा उनके छोटे भाई थे। कुछ समय बाद उनका पूरा परिवार लाहौर जाकर बस गया। लाहौर में बी आर चोपड़ा ने इंग्लिश लिटरेचर में MA किया। फिर 1944 में वो सीने हेरोल्ड में फिल्म जर्नलिस्ट के तौर पर काम करने लगे। उन्होंने काम 1947 तक जारी रखा। बतौर फिल्म जर्नलिस्ट काम करने की वजह से चोपड़ा का झुकाव फिल्मों की तरफ हो गया। उन्होंने 1947 में एक फिल्म पर काम शुरू किया था, जिसका नाम था चांदनी चौक। फिल्म की कहानी को IS जौहर ने लिखा था। नईम हाशमी हीरो और एरिका रुक्शी हीरोइन थी। इसी के साथ बने रहे राजनामा TV के साथ। धन्यवाद।